हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ब्लॉग टी तनुज पे आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30, 6:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है आज ब्लॉग। तो स्टार्ट करते हैं एक नए दिन से, नए ब्लॉग की ओर को। पहले हम नन्हा आश्रम जाएंगे, फिर जाएंगे धारचूला, फिर थोड़ी देर वहाँ घूमेंगे, फिर चलेंगे आज धारचूला। तो चलते हैं, पहले रेडी हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो अब हो गए हैं रेडी, तो अब चलते हैं। पहले कीर्तन भाई भी हो गया रेडी हमारा, चलें फिर। आई बोल रहा, तो अभी जाने की तैयारी। वही आने में क्या चलते पान जी तेरे, ठीक है ना। अभी निकल चुके हैं घर से, अब जाते रोड पे, फिर जाना है पहले हमने नन्हा आश्रम, फिर आज चलेंगे धारचूला की ओर को। तो ऊपर ही थे मामा लोग, क्या अब ऊपर से बुलाना पड़ेगा। तो भाई चलाने लग गए गाड़ी, तो अभी हम यहाँ पर उतर रखे हैं। अभी मम्मी लोग आ रहे हैं नीचे से, मामा लोग यहाँ से। 8 बज गया अब, और देखो इनके हरकत देखो, ये 6 बजे से तैयार हुए आए हैं, मतलब 2 घंटे ये इनके लक्ष्य 10 बजे से पहले। और ये कौन है, ये है हमारा लेबर। तो लाया लेबर 10 रुपए में, सबसे लेजी इंसान है ये। गौर से देखो इस, ये देखो ये शख्स को गौर से देखो। 6 बजे से तैयार हो गया, पता नहीं पुरानी ये हो गई मोटी मामी हमारी, और वो है नानी। भाई आना आप कब आओगे वहाँ? मकान बनाया ठीक है, ठीक है। चलते हैं हम नन्हा आश्रम, अब वहीं मिलते हैं। पहले आश्रम पहुंच गए, तो अब चलते हैं अंदर को, फिर दिखाते हैं आपको। होटल पॉइंट इधर ही है, रहने की व्यवस्था भी है। यात्री यात्री आते तो स्टे करने के लिए भी है। ये वो है, फूल ना तोड़े, सही बात है, इतने प्यारा लगा रखा है। इसके बाद आ देना तू, होटल फुल दिखता है एकदम, मतलब है इतना सही दिखता है। 2 महीने के बाद कोई भी आना चाहते हो तो खास करके अगस्त के टाइम पे आना, होटल फुल दिखेंगे आपको। ये है मंदिर, बंद है मंदिर, बंद है अंदर से, तो बाहर से ही देखो। कोई आए तो कृपा करके अगस्त के महीने आए, अगस्त के महीने ना पूरा खिल जाता है, मंदिर भी बन जाए। तो कैसा लग रहा है फिर आश्रम में आके? बहुत बढ़िया। यहाँ से पर हिमालय भी दिख रहा है, हिमालय भी कितना प्यारा लग रहा है। तो आश्रम पहुँच के बड़ा सुकून हो रहा है, अंदर तो बंद है अभी, पंडित दिन ही आ रखे हैं, इसीलिए बाहर से ही देखना पड़ रहा है आश्रम। कौन कौन आ रखा है कमेंट करके बताना। आश्रम मैं तो बचपन में आया था, फिर नहीं आया, फिर अभी आ रहा हूँ। बचपन में आया था गांव, फिर आए थे आश्रम, फिर काफ़ी टाइम बाद आ रहे अभी। तो यह है पीछे साइड को, पीछे साइड को कुछ ऐसा है। यहाँ रहने की व्यवस्था भी है यात्रियों के लिए, जैसे कोई बाहर से घूमने आया तो यहाँ रह भी सकते हो आप। ये भाई यही था, ओके फर्स्ट दिन आया कह रहा है कौन? इतने दूर ना था तो ये हमारा आज तक कुछ पता नहीं, नहीं है, बचपन में आ चुके हैं मेरे साथ। इसको कुछ होश नहीं रहता। धन्यवाद दूसरा देना भी। तो अभी जाते हैं बगीचे में, वहाँ आपको जड़ी बूटियाँ दिखाते हैं क्या क्या है। इतना नॉलेज तो हमें भी नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या क्या है उसमें। यह है बन हल्दी,
इसे कहते हैं। डोलू जैसे पुराने जमाने में ये डोलू लगा के जैसे अब इलाज इलाज कुछ नहीं होता था तो क्या कहते हैं हड्डी हड्डी लकड़ी ऐसे करके लकड़ी लगा के डोलू को लपेट के फिर तागे से बात के तब ये हड्डी जोड़ते थे इससे ये डोलू काम आता है वो काम आता था मतलब यहाँ के ये पहाड़ों की जड़ी बूटी हुई है ये लोग पहाड़ के लोग दिल्ली जाते हैं यही जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं और ये है कद्दू पहाड़ी कद्दू और उसके अंदर भी लगा रखा है तो अंदर अभी बंद है बज दंत्र जो दांत साफ करते दो दांत यहाँ मतलब ये इसे दांत साफ करने से दांत में कीड़े नहीं लगते हैं। अच्छा और ये सिलफोड़ा ये है सिलफोड़ा सिलफोड़ा मतलब कहते हैं तो हमारे पहाड़ी में इसे घी पात कहते हैं घी पात तो इससे क्या होता है कि जिसको पत्थरिया होता है तो इसका मतलब इसका हम वो करके वो करते हैं जड़ इसका जड़ सुपारी के उससे हम मुंह में डालते हैं उससे हल्का हल्का पत्थरिया कटता है बोलते हैं जैसे बड़ा हो गया तो इलाज करते हैं जब कम कम हो गया तो इससे ठीक हो जाता है तुलसी की तरह होता है और इसको जैसे हमको जुखाम लग गया तो हम चाय में डाल के पीते हैं या हमको इसको नहीं पी सकते इसको नहीं पी सकते हैं मगर हम खाली एक ये कि वो हाँ कि जैसे कहीं पर चोट लग गया या कुछ हो गया तो उसका भी काम करता है ये काम बहुत काम करता है मगर अभी उतनी जानकारी हमको नहीं है जितने बुजुर्ग लोगों को है मगर ये तुलसी भी बहुत लाभदायी है हल्दी है ना ये घर हल्दी नहीं है ये हाँ कुट हल्दी से बोलते हैं मतलब तो ये बन हल्दी है तो एक सो के लिए भी होता है और क्या कहते हैं हर चीज में मतलब कोई गिर गया वो कर दिया तो हर चीज में काम आता है ये हल्दी भी और इतनी जानकारी ये जड़ी बूटियों का हमको नहीं है मगर बहुत लाभदायक होता है ये और ये है गोभी छोटे छोटे सेब और उधर पे सेब भी लगे हैं तो देख सकते हो कि यहाँ कितने जड़ी बूटियां हैं यहाँ भोटिया इलाका गांव घर में इसी चीज का ज्यादा प्रयोग होता है हॉस्पिटल बहुत कम से कम जाते हैं यहाँ दूर हुआ तो यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं हुआ तो जंगली जड़ी बूटियों से ही अपना काम चलाते हैं और होती भी फायदेमंद है ये जड़ी बूटियां बहुत ही ज्यादा तो ऐसा है कुछ आश्रम यहाँ आपको हर चीज का ज्ञान मिलेगा बढ़िया जड़ी बूटियों का खासकर तो अभी थोड़ी धूप भी लग गई है तो दोस्तों फाइनली आश्रम भी आ गए काफी टाइम बाद आश्रम के दर्शन हुए मैं भी काफी टाइम बाद आ रही है शादी के बाद दूसरी बार आ रही हूँ जब बच्चे छोटे थे तब आई थी तब मैं भी आया था एक बार तब तो आप लोग सब छोटे छोटे थे चलो अंदर दिखा रहे हैं तो अब चलो अब अंदर खोलने लग गए हैं तो अब अंदर दिखाते हैं आप लोगों को चलो ऐसा है कुछ अंदर जाने वाला अंदर से कुछ ऐसा है ये है ये है नारायण स्वामी पूछ 1935 में बना है नारायण स्वामी जी जो थे वो कर्नाटक मैसूर राज घराने से थे स्वयं सिविल इंजीनियर थे छोटी उम्र में घर छोड़ दिया हरिद्वार ऋषिकेश चले गए वहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया अध्ययन करने के बाद गुजरात चले गए 1935 में कैलाश यात्रा के लिए इधर से आए तब यहाँ गांव-गांव में मिशन के लोग काम करते थे उनको लगा कि कहीं ये बुढ़िया जनजाति के लोग हैं कहीं क्रिश्चियन कन्वर्ट ना हो जाएं इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पे स्कूलें बनाई आश्रम बनाया हॉस्पिटल बनाए छोटी उम्र में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया चित्तरंजन दास हॉस्पिटल कलकत्ता चले गए वहाँ पे उनका शरीर शांत हो गया और ये मुंबई पब्लिक ट्रस्ट 1950 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो गया
सीआरटी के मिस्टर बड़ौदा इसका ऑडिट करता है। आज हम इस इलाके में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, टाइम टाइम पे मेडिकल कैंप लगाते हैं। बेजान तो फिर शायद ध्यान योगा पे यहाँ पे शिविर चलती हैं, बड़ी एग्रीकल्चर लाइन है, गौ सेवा है, कभी दैवीय आपदा गवर्नमेंट से पहले लोगों को खाने पीने रिलीफ फंड में काम करते हैं। इस प्रकार से आश्रम चलता है। हमारे प्रेजिडेंट शैलेश महादेविया करके हैं, वॉइस प्रेजिडेंट रमेश पैथानी जी हैं, धारचुला में प्रद्युमन सिंह गरिब्याल जी इसके ट्रस्टी हैं, द्रौपदी बहन गरिब्याल हैं, इस प्रकार से ये पंद्रह लोग बॉम्बे अहमदाबाद में ट्रस्टी लोग हैं। इस प्रकार ये चलता है। अच्छा, आपका नाम? मुझे प्रताप सिंह राणा के नाम से जाना जाता है जी। हमारा घर अलकनंदा मंदाकिनी का संगम है, रुद्रप्रिया अगस्त मुनि, वहाँ का मूल निवासी हूँ। 35-36 साल से यहाँ आश्रम सेवा में है। यही हो तब से? हाँ जी। तो नारायण स्वामी कुछ इस तरीके से आए थे यार, अपने धर्म को आगे बढ़ाने, अपने हिंदू धर्म को, तो इस तरीके से बैठे थे। और से यहाँ नारायण आश्रम के नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्यारा है, एक अच्छी सोच लेके आए थे अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। और ये कुटिया, तो इसकी परिक्रमा करते हैं। पीछे कुटिया देख रहे हो, यहाँ बैठ के ध्यान लगाया करते थे बाबा जी। मतलब पहले तो कुटिया नहीं थी, पहले इधर पे कुआ जैसा, उसके ऊपर बैठ के ध्यान लगाया करते थे। देख रहे हो आप, ये है चिमनी। वो अब चलते हैं धारचूला की ओर को। जैसे कि आप लोगों को बताया, जो यहाँ रहते हैं, देखभाल करते हैं, वो भी बाहर से आ रखे हैं, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं यहाँ, बहुत टाइम हो गया उन्हें भी रहते रहते। तो अब चलते हैं। जाना है अपने छत में, छत में बैठ के जाएंगे धारचूला डीसीएल तक। डीसीएल तक आज कर रहे हैं छत की सवारी। छत में बैठ के पहाड़ों में मजा ही कुछ और है छत में बैठने का। तो चले गांव को बाई करके धारचूला की ओर। कच्ची सड़क, वो है डैम जो आपको सामने दिख रहा है। तो फाइनली सड़क पे पहुंच गए, पक्की सड़क। और ये हुआ तवा घाट का पुल। पुराना पुल ये हुआ, पुराना ये आजकल नया बना है। काली और धौली का संगम, ये यहाँ से जाके काली गंगा पहुँच जाती, जौलजीरी में बन जाती, गौरी गंगा से मिलते हुए टनकपुर में जाके शारदा बन जाती है। शारदा के बाद आगे आगे जाके कहीं प्रवेश करती है। अब छाव में तो लगाता है। चल आगे चलना भाई, हम यहाँ चले यार, वहीं रुकेंगे। तो फाइनली धारचूला। फाइनली धारचूला पहुंच गए। यहाँ बहुत गर्म हो रहा है यार। छत में बैठ या कहीं भी बैठ। तो अभी जा रहे हैं मार्केट, रेडी रेडी होके नहा धो के बढ़िया। अब दिखाते हैं मार्केट का नज़ारा धारचूला। तो ये है नेपाल रोड, यहाँ से नेपाल को जाते हैं और इंडिया और नेपाल।